परम के प्रति अनंत प्रेम का नाम भक्ति है। तो या तो आप प्रेम पूर्वक होकर के योग करें, मतलब खुद को जोड़ें, तो इसका नियम यही है कि जो भी आप कर रहे हैं उसे करते करते इतने खो जाइए कि आपको अपनी होश न रहे। ये तब संभव है, अब ध्यान से समझना, ये तब संभव है जब आपका मस्तिष्क शांत रहे, तब ये भाव तरंग जागेगी। तो अच्छी नींद लेना पहले शुरू कर लीजिए। अच्छी नींद से मतलब है क्वालिटी वाली नींद। जिस आदमी को क्वालिटी वाली नींद आती है, गुणवत्ता है जिस नींद में, उसके मस्तिष्क में शांति आएगी। और इसका नियम क्या है, रात्रि में सोने से 20 मिनट पहले मस्तिष्क को शांत करना शुरू करिए, और वो सब सीरियल देखना छोड़ दीजिए जो आपको अशांत करते हैं। हंसना हसाना चल सकता है, संगीत चल सकता है, लेकिन उसके बाद सोने से पहले हो सके हाथ मुंह धोइए, लंबे गहरे सांस लीजिए, थोड़ा टहलिए, और जितना हो सके मस्तिष्क को शांत रखने की चेष्टा करें और सुझाव दें अपने आप को, मैं नींद की ओर चलने लगा हूं। नींद क्या है, मस्तिष्क को परम शांति की ओर ले जाना। और लोग वो गाते हैं ना, वो जो एक गीत है, आज कल में ढल गया दिन हुआ तमाम। ये गीत मैंने भी सुना था, आपको भी याद होगा, आज कल में ढल गया दिन हुआ तमाम, तू भी सो जा, सो गई रंग भरी शाम, सो गई गली गली, सो गए नगर नगर, ऐसा कुछ है ना, सो गया है सब चमन, सो गई कली कली, नींद कह रही है तुझे तेरी मेरी बाहें थाम, तू भी सो जा, सो गई रंग भरी शाम। गूंजने दीजिए अपने अंदर उन शब्दों को कि आपके अंदर इतनी गहरी शांति आ जाए कि आप नींद में जाने के लिए आपका रोवा 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 कण कण प्रत्येक सेल्स में शांति समा जाए, और जब आप पूर्ण शांत होते हुए बिस्तर की तरफ बढ़े तो आपका बिस्तर साधारण चीज नहीं है। और ये ध्यान रखना, बिस्तर को गंदा संदा नहीं रखना चाहिए, वो सेज है आपके, उसे बहुत सुंदर बनाओ शांति वाले। और जब आप सोते हैं तो ये बात ध्यान रख लीजिए कि लाइट मत रखो, नींद के लिए लाइट नहीं चाहिए। नीली रोशनी उस तरह की लोग रख लेते हैं जो सितारों में होती है, लेकिन कोशिश करो कि अंधेरा ही हो। और जब सोने लगे तो अपनी जिह्वा पर उस प्यारे का नाम लेकर ऐसे लेटते लेटते बोलना शुरू कर दीजिए कि आपको पता भी ना लगे कि कब आप सो गए, और आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है उस मंत्र को पकड़ ले जो आप जाप कर रहे हैं, तो क्वालिटी वाली नींद आएगी। मतलब शांति की यात्रा आपकी नींद से शुरू होती है। जिस आदमी को अपना मस्तिष्क शांत करना आ गया, ये याद रख लेना, मस्तिष्क में शांति आ गई तो शांति से प्रशांति की यात्रा शुरू हो गई। शांत मस्तिष्क है तो हृदय में प्रेम भी जागेगा, आनंद की यात्रा शुरू हो सकती है। दुखद बात यह है कि हम लोग जीवन में शांति स्थापित नहीं कर पा रहे हैं। लोग क्या मांगते हैं भगवान से, भगवान मेरे घर परिवार में सुख देना,
सभी की कामना होती है मेरे घर परिवार में शांति नहीं सुख आए, सुविधाएं आए, पर ये सुख टिकता किस पर है? सुख हमेशा एक ही चीज पर टिकता है और वो है शांति। मन में शांति है तो सुख के साधन आपको आनंदित कर देंगे। अगर मन में शांति नहीं, सुख का साधन कभी आनंदित नहीं कर सकता। सुख के साधनों से सुख नहीं मिलेगा। अशांत व्यक्ति अपने टीवी को भी खोलेगा तो अशांति वाली चीजें देखना शुरू कर देगा। खिले हुए फूलों से कोई आनंद नहीं मिलने वाला उसको। अशांत आदमी को कितने भी फूल दिखाते रहिए, उसको कुछ अच्छा नहीं लगेगा। अशांत आदमी को कोई ज्ञान की बात भी आप सुनाओ, वो बेकार की बात कहेगा, इससे कुछ नहीं होता। विकास भी आपके जीवन का तभी होगा जब आपके जीवन में शांति है। सेहत भी तभी आपकी बनेगी जब आपके मन में शांति है। और अगर आपका मन अशांत है तो आपकी सेहत नहीं बन सकती, ये याद रख लेना। कमाल की बात तो ये, दुनिया भर के जो मेडिकल साइंस में प्रयोग हो रहे हैं उसमें सबसे पहला काम ये होता है कि व्यक्ति का ट्रीटमेंट जब किया जाता है तो ज्यादा से ज्यादा दिमाग को शांत करने की चेष्टा करते हैं। ऐसी नींद की कोई टेबलेट दे देंगे, इंजेक्शन लगा देंगे, आदमी सोया रहे। रिश्तेदारों को कहेंगे इससे बात मत करना, आने भी नहीं देंगे पास में। वो कहते ट्रीटमेंट इसी से होगा कि मस्तिष्क तो शांत हो। और आज की इस दुनिया में सब चीजों का रास्ता ढूंढ लिया गया, सुख के साधन ढूंढ लिए गए, पर शांति का साधन कोई नहीं ढूंढ रखा है। और पूरे विश्व में शांति करने के लिए इतने देशों का संगठन बन गया, यूनाइटेड नेशन पूरी कोशिश कर रहा है पूरी दुनिया में शांति हो, और एक ही नॉर्थ कार्यों में बैठा हुआ है, एक ही आदमी पूरी दुनिया को हिलाने में लगा हुआ है। किसी एक व्यक्ति का मस्तिष्क कहीं से भी हिल जाए पूरी दुनिया को हिला सकता है। किसी घर के अंदर एक अकेला आदमी पूरे घर का हिसाब किताब खराब कर सकता है। लेकिन शांति की शक्ति भी बहुत बड़ी है। अपने यहां तो यह कहा जाता है कि शांति एक बार नहीं तीन बार बोलनी चाहिए। मन में भी शांति हो, वचन में भी शांति हो, आपके कर्म में भी शांति हो, देवलोक में शांति, पृथ्वी लोक में शांति, अंतरिक्ष में शांति। और सबसे ज्यादा हमारे यहां मंत्र पाठ जितने भी होते हैं आखिर में शांति पाठ होता है। देव शांति, अंतरिक्षम शांति, पृथ्वी शांति, आप शांति, औषधय शांति, वनस्पति शांति। देवलोक में शांति हो, अंतरिक्ष में शांति हो, पृथ्वी लोक में शांति हो, जलों में शांति हो, औषधियों में शांति हो, वनस्पतियों में शांति हो। ये सब बोलने के साथ साथ में एक बड़ी अद्भुत बात कही जाती है जो इस मंत्र की प्यारी बात है, वो ये विश्व देवा शांति। सारे देव शक्तियां शांति देती हैं। तुम जुड़ो तो सही। ब्रह्म शांति, परमात्मा के नाम में शांति है। भगवान की तरफ चलना चाहते हैं तो शांति से परमात्मा की तरफ चला जा सकता है। और जब वहां जाते हैं और वहां मन जुड़ता है तो शांति पहले मिलती, शांति का प्रसाद पहले मिलता है। शांति से शांति की यात्रा। और इससे भी ज्यादा कमाल का शब्द यह है, यहां कहा गया सब में शांति है, वो शांति मुझे प्राप्त हो। तो एक शब्द कहा गया शांति रेव शांति, ये मुझे बहुत प्यारा लगता है। कहते हैं शांति शब्द भी शांति देता है। सा शांति मा यदि, शांति कहने से भी शांति मिलती है। बस वो जो शांति पूरे संसार में बसी हुई है परमात्मा, वो मुझे दे। क्योंकि घर में एक ही चीज मत मांग लेना, सुख आए सबसे पहले कहना, शांति पहले आए फिर आए सुख। तो सुख शांति, तन में क्या आए सुख शांति, मन में क्या आए सुख शांति, घर में क्या आए सुख शांति, फैक्ट्री में क्या आए सुख शांति, ऑफिस में क्या आए सुख शांति, समाज में क्या आए सुख शांति, प्रदेश में क्या आए सुख शांति, और राष्ट्र में क्या आए सुख शांति, और विश्व में क्या आए सुख शांति। सभी सुखी हो और सभी शांत हो तो सबका शुभ मंगल हो। तो सबसे ज्यादा चेष्टा किस चीज के लिए करनी चाहिए?
शांति के लिए। और शांति की शुरुआत कहां से करनी चाहिए? सोने से। क्वालिटी वाली नींद लेने की चेष्टा करिए, अच्छा पानी पीजिए। 70% जल अगर इस धरती पर है और 30% केवल मात्र ठोस चीज है, आपके शरीर में भी 70% जल है। जैसे मात्रा कम होने लग जाती है, आप पानी ज़्यादा पीने लग जाते हैं, पीना पड़ता है। आपकी किडनी को ठीक रहने के लिए पानी ज़्यादा चाहिए। महिलाओं को खास तौर से सुनना है, ये पानी कम पीती हैं क्योंकि उस इनकी अपनी प्रॉब्लम है। तो किडनी की प्रॉब्लम ना हो तो पानी तो ज़्यादा से ज़्यादा लेते रहिए। और शरीर के अंदर विजातीय तत्व टिके ना रहे, वो बाहर निकल सके, तो पानी लेते रहिए। पानी भी शांति देता, नेचर के बीच में रहने से शांति आती है, शांति की बात करने से भी शांति आती है। उलझाने वाले लोगों के साथ मत बैठिए, जिन विचारों से शांति मिलती है उन विचारों का स्वागत करिए। पहनावा भी शांति वाला होना चाहिए, खान पान से भी शांति आती है। खान पान बिगड़ा हुआ हो आदमी का, मिर्च मसाला अशांति देता है। और बुढ़ापे में अगर स्वाद लेकर कुछ खा लिया जाए और रात्रि में पेट में बादल गरजते रहें तो वो भी अशांति का कारण है ना। और जो लोग रात में देर से सोया, पानी वानी पी लिया, तो कुछ लोगों की उम्र के साथ में रात में दो दो तीन तीन बार उठना पड़ता है, तो उनकी नींद की क्वालिटी जाती रहती है, सपनों में सोना पड़ता है उनको। तो जल्दी भोजन कर लीजिए और पानी वानी पहले पिए, खाने के 3 घंटे बाद सोइए। कुछ लोगों को आदत होती है कि अन्न खाते उनको नशा आता है सोने का। कुल मिला के सार इतना ही हुआ, क्योंकि समझाना और बहुत आगे जाना है। तो अभी कुछ जरूरी बातें कि शांति की यात्रा जरूरी है और ये छोटी छोटी चीजों से शुरू होती है। अगली महत्वपूर्ण बात जिस पर आप लोग खास ध्यान देंगे, दूसरों को मान देकर विनम्रता अपनाकर आप अपने जीवन में शांति लाते हैं। प्रेमपूर्ण व्यवहार शांति लाता है, संतुलन बनाया रखना शांति लाता है। कोशिश करो जल्दी से जल्दी बैलेंस बना लिया जाए। शांति के लिए एक जरूरी चीज और है, दूसरों को माफ कर देना। जितना जल्दी हो दूसरों को माफ कर लें, गांठ मत बांधे। दिल में ज्यादा गांठ बांध के रहेंगे तो वह चीजें दर्द देती रहेंगे। बड़प्पन आपको शांति देता है, समझदारी शांति देती है। समझदार वो आदमी है जो झगड़े सुलझाता है, झगड़े बढ़ाता नहीं। कभी कभी गलती ना भी हो और झुककर अपने रिश्तों को संभाल लिया जाए, उससे बढ़कर समझदारी भी कोई नहीं होती। बड़े बड़े समझदार लोगों को मैंने देखा, अपने बच्चों के आगे भी हाथ जोड़ देते हैं, बेटा तू ज्यादा बड़ा, तू ज्यादा समझदार, झगड़ा छोड़। वो जानते हैं कि यहीं अटक के नहीं रहना, जाना बहुत दूर है। जिंदगी की यात्रा को इतना छोटा नहीं बनाना, जीवन बहुत कीमती है। एक मंत्र है मेरे साथ आप उच्चारण करना, बोलिए ओम शुक्रोसी ब्राजोसी स्वरसी ज्योतिरसी आपनु ही श्रेयांसम अति समम क्राम। अब इसका अर्थ सुनिए, बड़ा प्यारा मंत्र है। परमात्मा कह रहे हैं, मेरे प्यारे साधक, मेरे बच्चे, शुक्रोसी तू तेजस्वी है और प्रकाश वाला रूप है तेरा, ब्राजोसी चमकने वाला है तू, जिसकी चमक दुनिया में दूर तक फैल सके वो चमकता हुआ सितारा है तू। इस दुनिया में चमकने के लिए आया है,
प्रकाशित होने के लिए आया है। तेरा रूप प्रकाश का है, अपने अंधेरों से बाहर निकल, अपनी उलझनों से बाहर निकल, अपनी दुविधाओं से बाहर निकल। शुक्रोसी ब्राजोसी स्वरसी, और तो आनंद वाला है, अपने आनंद को पहचान। ज्योति ऋषि, रोशनी देने वाला, दूसरों को रास्ता दिखाने वाला तू है। आपनो ही श्रेयांसम अति समम क्राम, जो तुमसे आगे बढ़े हुए हैं ना, पहले वहां उनके समान जाकर खड़े हो, फिर आगे का अति समम क्राम, फिर ये करना कि उन्हें भी क्रॉस करके, उन्हें भी लांग कर वहां पहुंच जहां कोई नहीं खड़ा है, वहां जाकर खड़ा हो, शिखर तक पहुंच। ये कहा है कि तू प्रकाश है, तू ज्योति है, तू चमकता हुआ सितारा है, अपनी चमक को पहचान, अपने अंधेरों से बाहर निकल। ध्यान रखिए, एक चीज होती है कि जब आप अपने अंदर संकल्प पैदा करते हैं, और उससे पहले साधना में एक नियम दिया जाता है, कहा जाता है कि स्वयं को पहचानो, मैं चैतन्य हूं, मैं शरीर नहीं, प्राण भी नहीं, ये मन भी मैं नहीं हूं, ये बुद्धि भी नहीं हूं, चैतन्य हूं। विश्व में अनाथ समस्या भयावह है, भारत में अनाथ लावारिस बच्चों की संख्या 4 करोड़ से अधिक है। बेबस लाचार भोले बचपन को आपके प्रेम और सहयोग की जरूरत है। हम सूरत, गुजरात और कानपुर, उत्तर प्रदेश में 2 अनाथालय चलाते हैं। अत्यंत गरीब 1000 बालक बालिकाओं के लिए फरीदाबाद, हरियाणा में ज्ञानोदय विद्यालय, और झारखंड प्रदेश में नक्सली समस्या आतंकग्रस्त क्षेत्र में आदिवासी बालक बालिकाओं के लिए 2 स्कूल संचालित करते हैं। इस महान कार्य के लिए आपके आर्थिक सहयोग से इन बच्चों का भविष्य संवर सकता है। यदि आप विश्व जागृति मिशन के इन बाल विकास योजनाओं से जुड़ना चाहते हैं, तो संपर्क करें विश्व जागृति मिशन, आनंद धाम आश्रम, नांगलोई, नजफगढ़ रोड, बक्करवाला मार्ग, नई दिल्ली 110041, दूरभाष 011-4710-4610-28-34-5656 और 28-34-47-67, टोल फ्री नंबर 1800-118188। जीवन संचेतना, लाखों पाठकों की बुद्धि को सचेतना से और हृदय को सद्भावना से परिपूर्ण करने वाली मासिक पत्रिका जीवन संचेतना। ये देववाणी है परम पूज्य श्री सुधांशु जी महाराज के उपदेशों को पढ़ने एकमात्र समान उपयोगी मासिक पत्रिका जीवन संचेतना। सदस्यता शुल्क भारत में। सदस्यता शुल्क विदेश में। यदि आप जीवन संचेतना की सदस्यता प्राप्त करना चाहते हैं, तो इस पते पर संपर्क करें। विश्व जागृति मिशन, आनंद धाम आश्रम, नांगलोई, नजफगढ़ रोड, बक्करवाला मार्ग, नई दिल्ली